और बात अब रायपुर की। वन और विधि मंत्री मोहम्मद अकबर ने पूर्व मुख्यमंत्री पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि जो 15 साल में अपना कोई भी बड़ा वादा पूरा नहीं कर पाए, वो 5 साल के वादों को 1.5 साल में पूरा करने की बात कर रहे हैं। अकबर ने कहा कि ट्विटर से जनता ट्विस्ट होने वाली नहीं है, रमन सिंह को जमीन पर आकर मेहनत करने की जरूरत है। उन्होंने बैरियर बंद करने पर रमन सिंह को आड़े हाथों लिया। मंत्री मोहम्मद अकबर से खास बातचीत की, संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह क्या ट्विटर के जरिए नई किस्म की राजनीति कर रहे हैं? क्या उनको और मेहनत करने की जरूरत है? क्योंकि ये सलाह उनके लंबे समय से प्रतिद्वंदी रहे मोहम्मद अकबर बार बार दे रहे हैं। बार बार आप एक बात कह रहे हैं कि और मेहनत करने की जरूरत है। पहले भी कहा हूं, अभी भी कह रहा हूं, मुख्यमंत्री 15 साल तक रहे, कुछ कर नहीं पाए। अब उनको लगता है कि कुछ करना चाहिए, प्रतिपक्ष में है, अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। रमन सिंह लगातार जो 1.5 साल में जो घोषणा पत्र आपका था, उनके तमाम वायदों को गिना रहे हैं और उसी को लेकर के आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आपने पूरे उन वादों की फेहरिस्त सामने रखी जिन वादों के जरिए रमन सिंह 3 बार सत्ता में आए, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं कर पाए। देखिए, 2003, 2008, 2013 तीनों चुनाव के जो वायदे थे प्रमुख, वो मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने मैंने जानकारी दी। 15 साल के कार्यकाल में जो वो नहीं कर पाए, कांग्रेस की सरकार बने 1.5 साल हुआ है, 36 में से 22 वायदे हम पूरा कर चुके हैं। बाकी के बारे में भी राज्य सरकार गंभीर है। ऐसे में जो 2003 के वायदे 17 साल में पूरे नहीं हुए, 1.5 साल घटा दो तो 15.5 साल, वो सवाल कैसे कर सकते हैं? पहले अपने आप के वायदों को उनको याद करना चाहिए। वो नहीं कर पाए, अपना पहले याद करो। नई सरकार का तो कार्यकाल चल रहा है, समाप्त नहीं हुए हैं, और बाकी 36 में से जो 22 वायदे पूरे कर चुके हैं, जनादेश 5 साल का होता है, 1.5 साल का नहीं होता। तो जनादेश जो हमारा 5 साल का है, बाकी वायदों के प्रति भी हम लोग गंभीर हैं। बैरियर बंद करने से राज्य को अब तक 336 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब सवाल इस बात का है कि इसकी भरपाई कौन करेगा? वो तो भ्रष्टाचार के नाम पर बोल बाल के अवसर रख दिए, भरेगा कौन? तो गलत नीतियों, गलत फैसले के कारण राज्य सरकार को क्षति हुई है, जिसकी जिम्मेदारी रमन सिंह को लेनी चाहिए। तो जो गलत फैसले थे उसकी वजह से सरकार को नुकसान हुआ है। कैमरामैन शाम के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता, छत्तीसगढ़ सरकार।